दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका डेटसन रेडिगो चैनल में। दोस्तों मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए धन्यवाद, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा जो पीछे वाली सीट है, जिस जो फ्यूल टैंक के ऊपर रहती है, फ्यूल पंप के ऊपर, आज उसको रिमूव कैसे करते हैं वो मैं दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो उसको खोलने के बाद जो नीचे फ्यूल पंप होता है, फ्यूल पंप को कैसे रिमूव करते हैं, कैसे रिफिक्स करते हैं, ठीक है, एंड उसको चेक कैसे करते हैं कि वो ख़राब है कि नहीं ख़राब है, उसकी वीडियो मैंने अलग से बनाई हुई है, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप देख लेना, ठीक है। तो चलो रिमूव करते हैं सीट। दोस्तों इस सीट को रिमूव करने के लिए सबसे पहले हमें दो टूल चाहिए, एक तो चाहिए बड़ा वाला स्क्रू ड्राइवर, छोटा भी चलेगा, इतना भी हो तो भी चलेगा, ठीक है, और एक 12 और 13 नंबर का रिंच, ठीक है। इसको मैं बताता हूँ क्यों चाहिए। इस रिंच से ना हम पीछे का एक बोल्ट खोलेंगे सीट के अंदर, इसमें सीट में टाइट हुआ रहता है, मैं दिखाता हूँ डिक्की की तरफ है। दोस्तों जब आप डिक्की खोल के इस एरिया में आएंगे तो इस मैट के नीचे जो मैट पड़ा हुआ है, इस मैट को उठा लेना है, साइड में बाहर कर लेना है, ठीक है। मैट बाहर निकलने के बाद तो यहाँ देखना, इस कोने में एक 12-13 नंबर का जो बोल्ट है वो लगा हुआ है, इसको खोल लेंगे, ठीक है। ये आराम से खुल जाता है, ज़्यादा टाइट नहीं होता, ठीक है। ये यार पूरा डिटेल में मैं इसलिए बताता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो ये बोल्ट खुल गया, ठीक है, और वीडियो इसी वजह से मेरी थोड़ी लंबी हो जाती है। तो इस सीट को रिमूव करने के लिए ना दोस्तों, पहले इस तरफ से, सीट की तरफ से इसको ऐसे ऊपर उठाना पड़ेगा, इसको ऐसे हल्का हल्का बाहर निकाल लेना है दोनों तरफ से, ठीक है। अब ये निकल जाएगा ऐसे थोड़ा सा जब हम इसको ऊपर उठाएंगे, तो ये देख रहे हैं सामने जो लोक है यहाँ पर ऊपर, जहाँ पे स्क्रू ड्राइवर जा रहा है, ठीक है, इसमें लगा के इसको ऊपर उठा देना है, पुल कर देना है, ठीक है। इसका इधर का तो निकला हुआ है हल्का सा, चलो इसमें पेचकस लगा के ना, देखिए दोस्तों यहाँ पेचकस लगाना है, बड़े ध्यान से देखो, और इसको ऐसे ऊपर उठा देना है, ठीक है, पुल हो गया। अब दूसरी तरफ का भी ऐसे ही दिखा देता हूँ मैं आपको। दोस्तों ऐसे इस तरफ सामने लोग जहाँ स्क्रू ड्राइवर लगा हुआ है, यहाँ पर भी लगा के ऐसे ही खोल देना है, ठीक है। अब ये सीट हो गई रिमूव, तो ये खुल गई है सीट अब, ठीक है ना। अभी मैं दिखाता हूँ कौन से लोग फंसे होते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है ना, ये लोग इनके अंदर फंस जाते हैं यार, ठीक है। तो स्क्रू ड्राइवर डाल के हमें ऐसे पुल कर देना होता है ऊपर, और एक ये लोग है, ये इस तरफ फंसा होता है, इस तरफ भी हमें दूसरी साइड से जाके स्क्रू ड्राइवर लगा के ऐसे पुल कर देना होता है, तो सीट रिमूव हो जाती है, ठीक है। उसके बाद ये फ्यूल पंप है इसके नीचे, इसकी मैंने वीडियो डाली हुई है, आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप देख लेना, ठीक है। तो चलो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।